खबरें वही जो दिखे। मुंबई विश्वविद्यालय में मनाया गया यूनानी डे। इम्पा द्वारा आयोजित तीसरे यूनानी डे का समारंभ बड़े उत्साह से हुआ संपन्न। पौराणिक चिकित्सा पद्धति को मिला एक नया आगाज। हालांकि यूनानी चिकित्सा पद्धति का इतिहास बेहद पुराना है। प्राचीन काल से ही परसो अरेबिक परंपरा का हिस्सा रही हैं यूनानी दवाइयाँ। कालांतर में मुगल काल के समय बखूबी इन दवाइयों का प्रचार प्रसार हुआ और आज समूचे मध्य एशिया में इसका महत्वपूर्ण योगदान दिखता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति को यूनानी या हिकमत के नाम से भी जाना जाता है। यूनानी तिब में यूनानी शब्द मूलतः लोनियन का अरबी रूपांतरण है, जिसका सही अर्थ ग्रीक या यूनान है। भारत में 100 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में यूनानी चिकित्सा पद्धति सिखाई जाती है। असल में यह आयुर्वेद के बेहद करीब है। नैसर्गिक वनस्पतियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली यूनानी दवाइयों का इतिहास बड़ा शानदार रहा है, पर वर्तमान में एलोपैथी के सामने इसका टिकना कठिन है। ऐसे में इम्पा द्वारा यूनानी डे का आयोजन एक सराहनीय कदम है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र भर से हजारों विद्वान चिकित्सक और डॉक्टरों की उपस्थिति के साथ साथ यूनानी दवाइयों के उत्पादक, वितरक एवं प्रचारकों की सक्रिय भूमिका और सक्रिय उपस्थिति यहां अहम रही। यहां मुंबई विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगभग सभी मर्जों की यूनानी दवाइयां प्रदर्शित की गई थी। फिर वह हृदय विकार के लिए टैबलेट या जूस हो या वात से राहत देने वाले मालिश तेल। महिडा एंड सन्स डोंगरी ने कलौंजी तेल के माध्यम से आबे शिफा मसाज और दर्दनाशक ऑइंटमेंट दिखाया। तो खोजोति हर्बल के लुलू हर्बल ऑइंटमेंट ने यूनानी हर्बल और डेंटल जेल को प्रदर्शित किया था, जिसमें प्राकृतिक रूप से बने पेस्ट को प्रेजेंट किया गया। नी मिश्वाक, टूथ पाउडर इत्यादि का समावेश था। केवेदा नल बाजार 1847 से प्रचलित है, जिसकी एक दशक पीढ़ी ने यूनानी दवाइयों की सेवा दी है। सुरमे के साथ साथ नीम, त्रिफला, तूप अंजन, पेन रिलीफ के साथ परफ्यूम, मेहंदी और हैंडमेड साबुन को भी प्रदर्शित किया गया था। जामिया रेडमीज ने रोगने मुसक्लिन ऑइनमेंट के जोड़ों का दर्द, तो आदि ट्रेडर मुमरा ने शिफाइन द्वारा सेहत भी शिफा भी का संदेश दिया। कार्डियो केयर और हेल्थ केयर की यूनानी दवाइयां भी यहां मौजूद रही। केयर हर्बल रेमेडीज सहारनपुर यूपी से ने 90 हब्बे सुरंजान द्वारा वात एवं आम वात रोगियों के लिए नुस्खे बताए। तो रॉयल हर्बल मेडिसिन एजेंसी और रॉयल यूनानी एजेंसी मुमरा ने प्योर यूनानी हर्बल फॉर्मुलेशन पेश किया। कुल मिला के इस तीसरे यूनानी डे के उपलक्ष में यूनानी दवाइयों की यह प्रदर्शनी स्वास्थ्यवर्धक थी, जिसका जन सामान्य ने लाभ लिया। आयोजकों के अनुसार यूनानी दवाइयां आज भी विख्यात हैं और देश की युवा पीढ़ी भी इसके प्रभाव को बखूबी समझ रही है। हालांकि एलोपैथी भले ही कम समय में मर्ज को ठीक करने का दावा करता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। यूनानी का ही प्रचार किसी भी मर्ज को बुनियादी रूप से ठीक करने का मादा रखता है। आज हम टूथपेस्ट के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ हलाल प्रोडक्ट विच इज़ वेजिटेरियन, और इसमें कोई भी तरीके का माइक्रोसाइन जो केमिकल्स होता है, जो पैराबेन होता है वो नहीं है, सोडियम क्लोराइड भी है, हर कुछ केमिकल्स होते हैं। इंडिया का जैसे आपको मैं प्रोडक्ट्स को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ।